नमस्ते। सुरक्षित होंगे आप लोग? आई होप थिंग्स आर इम्प्रूविंग। थर्ड से उम्मीद है कि थर्ड के बाद मेरे को अपने स्टूडियो का एक्सेस मिल जाएगा शायद। तो फिर मैं आपको जो आपने जो कहा है कि जो आपको वॉइस चाहिए था या फिर प्रीपोजिशन का कोई पार्ट चाहिए था, तो वो मैं करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फुल फ्लेजर क्लासेस स्टार्ट होने में टाइम लगेगा आई थिंक। एंड एक जो अभी इधर में हाल में वोटिंग हुआ था, जैसे लोगों ने कराया था कि मतलब आपको कौन सा सेक्शन चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यू टोल्ड मी दैट क्लोजेस्ट का डिस्कशन चाहिए होगा, मतलब क्लोजेस के कुछ क्वेश्चन चाहिए। अगर ऐसा है तो आज के आपके वीडियो के बाद आप जो रिस्पांस दोगे मेरे को एक आइडिया बता देना, ताकि मेरे को आपके आपका पर्सनल मैसेज के थ्रू आइडिया लग जाए कि आप में से कितने सारे लोग क्लोजेस चाह रहे हो, और अकॉर्डिंगली मैं क्वेश्चंस को सेट करता हूँ। आज के जो क्वेश्चंस हैं, चले अपने पेपर पे आते हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्सडअप हैं, इसमें से पांच वही जो डे बिफोर लास्ट असाइनमेंट था उसमें जो क्वेश्चंस थे कॉमन एरर के, वो पांच हैं, दो इम्प्रूवमेंट हैं और पांच सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं। सो इनके डिस्कशन को देखो, एंड आई थिंक कि चीजें फिर से वही से ऐसे ही रहेंगी कि अगर आपको किसी में डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। बाय द वे, क्वेश्चन नंबर वन में देर इज नो प्रॉब्लम इन एनी सेंटेंसेस, किसी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, एंड आंसर इज ई, ऑल ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू में ग्रामर का एक रूल दिया हुआ है बड़ा अच्छा सा, आंसर इज ए, और विच के जगह पे दैट का इस्तेमाल होगा। अब ध्यान दो, मैथमेटिक्स इज द ओनली डिसिप्लिन विच कुड बी टॉट अंडर दैट रूल। इस विच के जगह पे दैट लगेगा, क्योंकि आप ये ध्यान देना, आपको ये रूल याद होगा कि अगर ओनली द सेम ऑल नथिंग ऐसा कोई वर्ड लगा हुआ हो, तो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग हु विच का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग इन दोनों के जगह पे सिर्फ दैट का इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि ओनली लगा हुआ है, इसीलिए जो विच होगा वो दैट में चेंज हो जाएगा। आई होप कि आपको ये रूल याद होगा, आपने सही बनाया होगा। मूव क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड का भी आंसर ए है, और इसमें लेस के जगह पे फ्यूअर होगा, फ्यू का कॉम्परेटिव डिग्री होगा, क्योंकि आप याद करना लेस लिटिल का कॉम्परेटिव डिग्री है, लिटिल लेस लिस्ट। लिटिल का दो और फॉर्म होता है, लिटिल का अ लिटिल बनता है, द लिटिल बनता है, या डिटरमाइनर। उसी लिटिल का डिग्री में भी चेंज होता है, क्योंकि लिटिल एडजेक्टिव भी है, तो डिग्री में जब चेंज होता है तो लिटिल का लेस और लिस्ट होता है। अब जो लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए, तो वो चाहे अ लिटिल हो, चाहे द लिटिल हो, चाहे लेस हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे लिटिल हो, सब अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होगा। जबकि फ्यू का भी जो फ्यूअर और फ्यूएस्ट बनता है, ऑफ यू द फ्यू, ये सारे वर्ड्स या फ्रेजेज काउंटेबल के लिए इस्तेमाल होते हैं, काउंटेबल के लिए। और यहां पे 300 पैसेंजर्स लिखा हुआ है, काउंटेबल दिया हुआ है, सो आपके लेस के जगह पे फ्यूअर करना होगा। फोर में अगर मिला होगा तो काफी अच्छा है, इनके जगह पे डेस्टिनी के बाद जो इन लगा हुआ है उसको ऑन करना होगा। देखो डेस्टिनी यहां पे नाउन है, नाम है, इसलिए उसको कैपिटल में लिखा है, उसका मतलब भाग्य नहीं है। जोनाथन वॉज प्लेइंग कार्ड्स विथ डेस्टिनी, दोनों का नाम है, जोनाथन डेस्टिनी के साथ कार्ड ताश खेल रहा था। इन द फैमिली रूम फ्लोर, क्या सोचो, फैमिली रूम के फ्लोर में, ऑन द फ्लोर ना, फ्लोर पर,
वो फ्लोर के पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ है, रूम के पहले नहीं, रूम फ्लोर लिखा हुआ है कंपाउंड नाउन, और फ्लोर के पहले आपके इन के जगह पे ऑन चाहिए। फिफ्थ में एक फ्रेज का यूज हुआ है, सो फोर का सी हो जाएगा और फिफ्थ का भी ए होगा। बर्न के बाद जो फ्रॉम लगा हुआ है वो ऑफ होगा। बॉर्न के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो ही वॉज बॉर्न इन अ रिच फैमिली, वो एक धनी परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन बोले कि उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स धनी थे, तो ही वॉज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स। चूंकि यहां पे पेरेंट्स दिया हुआ है, पेरेंट्स के पहले अगर बॉर्न के साथ प्रीपोजिशन लगाना होता है तो ओ एफ का इस्तेमाल होता है, बॉर्न के बाद फ्रॉम जो है उसको ऑफ करना पड़ेगा। अगेन आपके पास जो 6 and 7 नंबर क्वेश्चन है इंप्रूवमेंट का, अभी देखो कॉमन एरर में अगर किसी और क्वेश्चन में जैसे आपको डाउट लगे, मैंने लास्ट जो एक्सप्लेनेशन किया था, आई डोंट नो कितने लोगों को वो अच्छा लगा था, आई डोंट नो, मतलब तुमने बताया नहीं है, आप शायद मैंने देखा नहीं है। आप ये ध्यान देना कि अगर फिर से 1 से 5 के बीच में आपको अगर डाउट लगता है किसी क्वेश्चन किस सेंटेंस में, तो यू मे आस्क मी। 6 and 7 में इंप्रूवमेंट है, और एक बार ध्यान रखना, इंप्रूवमेंट में एक बार और मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, हाँ 23rd को इसके पहले वाले वीडियो के 4 क्वेश्चंस अनएक्सप्लेन्ड हैं। मैंने सिर्फ आंसर मैच नहीं किया था, मैंने बोला था कि आपका आंसर मैं मैच कर दूंगा, उस वाले को मैं अभी का नहीं बोल रहा हूं, उस वाले वीडियो के जो 23rd का जो वीडियो था उसके 6th का मैंने आंसर दिया था, दैट वाज सी। 7th, 8th, 9th और 10th मैंने छोड़ दिया था, आज मैं मैच कर दे रहा हूं। आपको डाउट होगा तो मेरे से अगले क्लास में आप मांग लेना उसके एक्सप्लेनेशंस। 7 का ए होगा, 8 का बी होगा, 9 का डी होगा 4 नंबर, और 10 का ई होगा 5 नंबर। 7 का ए, 8 का बी, 9 का डी और 10 का ई। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये 7 से लेके 10 23rd को जो आपको वीडियो पोस्ट हुआ था उसके इंप्रूवमेंट के आंसर सही है, उसको इधर से कंफ्यूज मत होइएगा। अभी वाले आंसर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना। उस 23rd वाले वीडियो में 7 का ए, 8 का बी, 9 का डी और 10 का ई है। अभी आप करंट वाले क्वेश्चन पे चले आओ, करंट वाले में 6 और 7 ही दोनों इंप्रूवमेंट दिया हुआ है, बाकी के 5 सेंटेंस अरेंजमेंट दिया हुआ है। नाउ जब भी आप अरेंजमेंट बनाते हो ना, आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अरेंजमेंट का कुछ डिस्कशन चाहिए होगा, अरेंजमेंट में मैंने लास्ट डे ही कहा था आपको, पूरे सेंटेंस को जब पढ़ोगे तो आपको सेंटेंस का मीनिंग आएगा। पूरे सेंटेंस को पढ़ना कॉमन एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्योंकि यू डोंट नो कि एरर कहां है, किस सेंटेंस में, सेंटेंस है किस वर्ड में है। बट इंप्रूवमेंट में तो एक जगह पे पार्ट को इंडिकेट करता है कि एरर है यहां पे, अब उस पार्ट को एनालाइज करो। यहां पे जो दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं वो दोनों का पूरा सेंटेंस बोल्ड किया हुआ है, अब वो किसी भी पार्ट में हो सकता है, किसी भी वर्ड में हो सकता है, तो सिंपल कंपेयर कर लो ना, और जहां जहां चेंजेज हैं उसको टारगेट करके सोचो अकॉर्डिंगली, सिर्फ वही सोचना है, नॉट द मीनिंग। जैसे देखो आपके पास शुरुआत में इन केस इफ दिया हुआ है, उस इन केस इफ को ए में भी, ए में इवन इफ किया है, बी में इन केस इफ किया है, सी में इन केस इफ किया है और डी में इवन इफ किया है। अगर आपको याद हो तो इन केस का भी मतलब इफ ही होता है, इन केस हो, प्रोवाइडेड हो, सपोज हो, सपोजिंग हो, सबका मतलब इफ होता है। तो दो इफ का तो यूज नहीं होगा ना, अब सपोज इफ तो हम बोल नहीं सकते,
इसी चलते इन केस और इफ एक साथ इस्तेमाल नहीं होगा। अब अगर वो एक साथ इस्तेमाल नहीं होगा तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, और चूंकि बोल्ड कटेगा तो ऑप्शन नंबर ई माइनस हो जाए, सॉरी बी सी और ई माइनस हो गया। अब बाकी बचा ए और डी, और ए और डी में इफ एंड इफ दोनों में है, द प्रोडक्ट्स दोनों में है, आर दोनों में है, आइडेंटिकल इन। अब इनके बाद वाले वर्ड्स को देखो, ए में दिया हुआ है कंपीटिंग मार्केट और एक में कंपटीशन मार्केट्स दिया हुआ है। सो पहला कंसिडरेशन आपके पास आया कि कंपीटिंग मार्केट या कंपटीशन मार्केट्स दोनों में से कौन सा होगा पहला, और इन्हीं दोनों को आगे कंपेयर करो तो सेटिस्फैक्शन दोनों में दिया हुआ है, प्रोवाइड्स दोनों में दिया हुआ है, एक में हाई रिटेंशन रेट्स दिया हुआ है और एक में हाईएस्ट रिटेंशन रेट्स। अब अगर आप देखो तो आपको दो चीजों को कंपेयर करना था, हाई होगा कि हाईएस्ट होगा, कंपीटिंग होगा कि कंपटीशन होगा, ताकि ए और डी में से कोई एक हम निकाल सके। और आप ध्यान रखना, आपको यह जरूरी नहीं है कि कंपीटिंग और कंपटीशन को भी आप सोचो, चूंकि वो पहले आया हुआ है, उससे ज्यादा आसान हाई और हाईएस्ट को सोचा जा सकता है। आपको यह याद होगा कि आप जानते हो क्लियरली कि हाई पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, जबकि हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री का है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ अगर आगे में नाउन लगा हुआ है तो आपको पता है कि सुपरलेटिव के पहले द का लगना जरूरी होगा, और चूंकि यहां द नहीं लगा हुआ है, हाईएस्ट के पहले द लगना चाहिए था, चूंकि द नहीं लगा हुआ है इसलिए सिंपल कि कंपीटिंग और कंपटीशन को हम ना सोचे, हम सीधा हाईएस्ट के पहले द नहीं है इसके चलते हम डी को इलिमिनेट करें और आंसर लें अपना आंसर ए को। सो सिक्स का आंसर ए। इंप्रूवमेंट को बनाने के लिए आपको शब्दों को देखना है जिसमें चेंजेज कर रहा है वो, और जो चेंज कर रहा है उस चेंज को उसके ग्रामेटिकल पार्ट में ले जाके वैसे ही सोचने का होता है। इट्स नॉट दैट कि तुम पूरे सेंटेंस को पढ़ो। सिमिलरली तुम देखो, द कोर्ट क्वेस्ट भी लिखा हुआ है और क्वेस्टेज भी लिखा हुआ है, सो द कोर्ट पढ़ने से हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब हमें सोचना है कि क्वेस्ट होगा कि क्वेस्टेज होगा, मतलब पास्ट डालें या प्रेजेंट डालें। और देखो कभी कभी क्या होता है ना, मैंने देखा है कि आउट ऑफ हेस्ट हम क्या करते हैं कि यहीं पर सोचने लगे कि क्वेस्ट चुने कि क्वेस्टेज चुने। अभी और चेंजेज को देख लो, और जहां पे भी आसान आए उसको टारगेट करो इलिमिनेट करने के लिए या फिर सेलेक्ट करने के लिए। अभी देखो, दोज प्रोविजन, दिस प्रोविजंस, और दिस और दोज को याद करो कि दोज के बगल का नाउन प्लुरल आता है और दिस के बगल का नाउन सिंगुलर होता है। अगर आप इसी को टारगेट करो तो आप ध्यान दो कि आपका ऑप्शन नंबर ई मतलब बोल्ड कैंसिल हो गया और ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। सिर्फ दिस और दोज को टारगेट करके मेरा ए और ई कैंसिल हो गया। देखो अब कम हुआ है, पांच में से दो कैंसिल हो गया, तो अब इन्हीं तीनों में से बाकी कोई एक आंसर बचा हुआ है बी सी और डी में से। अभी यहीं से नहीं या फिर क्वेश्चन पे नहीं जाते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। ऑफ द बी पी बी ए दैट सब में दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है मेड, सॉरी बी सी और डी में दिया हुआ है, या बी में दिया हुआ है मेक, सी में दिया हुआ है मेक्स और डी में दिया हुआ है मेक। अब जरा सोचना कि मेक्स सिंगुलर और मेक प्लुरल, और दैट के बाद अगर ये वर्ब लगा हुआ है तो उसके पहले जो नाउन दिया हुआ है उसी के लिए। और आप जरा ध्यान दो कि ये किसके लिए लगा होना चाहिए, किसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है, द प्रोविजन को या बीपीबीए को। अब ध्यान देना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड में था, क्योंकि हम लोग ये दिमाग में रखते हैं ना कि हु विच दैट के बाद का
जो भर्व आता है वो उसके पहले वाले नाउन से गाइड होता है। बट अगर कभी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ऐसे कुछ वर्ड्स लगे हुए हैं वो जो कि हम उसका ऑर्डर अगर बदल के उसको दैट के पहले नहीं रख सकते, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी लगाना पड़ेगा ऑफ के लिए, ऑफ को हटाने के लिए, और एपोस्ट्रॉफी निर्जीव चीजों के लिए नहीं लगता है, वो सजीव में लगता है। आप ध्यान दो कि प्रोविजन के लिए लगेगा यहां पे दैट, ध्यान देना, अंडरस्टैंडिंग को डिसाइड, अंडरस्टैंडिंग से गाइड करना, ये प्रोविजन के लिए दैट लगा हुआ है। अब ये अगर प्रोविजन होगा तो मेक्स होता, और प्रोविजन्स होता तो मेक होगा। अब आपके ऑप्शन नंबर बी में आप ध्यान दो तो प्रोविजन भी लिखा हुआ है और मेक भी लिखा हुआ है, जो कि गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी और डी में प्रोविजन्स लिखा हुआ है तो वर्ब को प्लुरल होना चाहिए था, और ऑप्शन नंबर सी में मिक्स कर दिया है सिंगुलर में। प्रोविजन के साथ मेक्स होता और प्रोविजन्स के साथ मेक होता, और आपके पास आपका ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया एंड आंसर कम्स टू डी। मतलब अगर आपको दिस को और दोज को पकड़ना था, मेक और मेक्स को पकड़ना था, और ये देखना था कि दैट किसके लिए लगा हुआ है, तो आपका आंसर सामने आ जाता। क्वाइट इजी कंपेयर करके, ये नॉलेज बेस्ड नहीं होता है, ये ग्रामर को चेक करता है इन अ डिफरेंट मोड, आपको बहुत सारे ऑप्शन देके कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। ऊपर वाले में इन केस इफ को देख के करना था, और हाई और हाईएस्ट को देख के करना था, और यहां पे दिस और दोज को, और आपके पास मेक और मैक्स को, बहुत सारे वर्ड होंगे, दो वर्ड से आंसर निकल रहा था। उसके बाद के 8 to 12 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं दे आर सेंटेंस अरेंजमेंट, कभी कभी ऐसे भी अरेंज कर देता है। अब आपको फर्स्ट सेंटेंस भी चुनना होता है इसमें, और एक चीज ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में। अब अगर आपका, चूंकि ऐसा नहीं है, आप अगर आपने डायरेक्शन अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो जो बोल्ड किया हुआ है वो अंत में रहेगा, उसका जगह फाइनल है कि ई का पार्ट लास्ट रहेगा। अब बाकी ए बी सी डी को आगे पीछे करके मेरे को बैठाना है। अब इसका एक जरा क्लू सोचो कि अगर आपके पास ये एक सेंटेंस है जिसका ई अंतिम पार्ट है तो इसका स्टार्टिंग भी तो होगा, और आपके पास ये ध्यान रखने का होता है कि जो पक्का एक सेक्शन में जो फ्रेज दिया हुआ है उसका शुरू का वर्ड और उस फ्रेज का अंत का वर्ड, इन्हीं दोनों को टारगेट पे तुम्हें रखना है। क्योंकि देखो, सपोज करो कि ए को तुमने अगर बी के बाद रखा, सपोज करो कि बी ए आपके दिमाग में आ रहा है, तो इसका मतलब कि एज वेल एज के बाद ऑफ आप लिख सकते हो। सोचना जरा इसको अरेंजमेंट में, ये एक्सक्लूसिव देखो, इंप्रूवमेंट में मैंने ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, अभी मैं एक्सक्लूसिव देखो, ट्रिक यही होता है इंग्लिश में कि आप जिस सेक्शन को बना रहे हो, कोई भी सेक्शन, उस सेक्शन के अपने कुछ नियम कानून होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, और आप उन ट्रिक्स को, नियम कानून को जरूर अप्लाई करो। नहीं करोगे, सिंपली अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बनाओगे तो वो नहीं बनेगा। उसके अपने मैथ्स के ही हर सेक्शन का अलग अलग फॉर्मूला होता है ना, हर चैप्टर का, एक चैप्टर के फॉर्मूले को दूसरे में आप इस्तेमाल तो नहीं करते। यहां भी अंडरस्टैंडिंग वैसे ही है जैसे मैथ्स में मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्स्ट्रैक्शन, एडिशन होता है, वो हर सेक्शन में करना पड़ेगा। आप किसी भी चैप्टर को बनाओ, जोड़ घटाओ गुना भाग, चारों में, सब में करना पड़ता है, लेकिन क्या उसको चारों से, उसी चारों से आपका आंसर तो नहीं निकलता। सेम वे आपके इंग्लिश में है, अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए, वो तो हर सेक्शन में जरूरी पड़ेगा, लेकिन उसके अलावे हर सेक्शन के अपने कुछ नियम कानून होते हैं। अब अरेंजमेंट का नियम कानून ये है कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना है अरेंज करने के लिए, और इसके रूल, अगर एक ही सेंटेंस का पार्ट काटा हुआ है तो किसी का अंत किसी के शुरू से मैच कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान दो, तुम अगर बी का अंतिम वर्ड देखो, बी के अंतिम दो वर्ड्स,
टू सम नॉर्म्स दैट इनेबल वो नॉर्म्स जो इनेबल करते हैं एज वेल एज. सो इनेबल से जुड़ा हुआ वर्ड है इनेबल एज वेल एज. राम प्लेज एज वेल एज. अब वो कोई और भी काम करेगा. सो एक बात क्लियर है कि बी के बाद जो वर्ड जो सेक्शन आएगा उसका पहला वर्ड कोई भर तो चाहिए, क्योंकि बी के अंतिम में इनेबल एक भर्ब दिया हुआ, उसके बाद एज वेल एज लगा हुआ है. और अगर आप किसी भी पार्ट को देखो तो आपके ई का जो पार्ट दिया हुआ है उसी का शुरू का वर्ड रेगुलेट एक भर्ब दिया हुआ है. दैट नॉर्म्स दैट इनेबल एज वेल एज रेगुलेट स्टेट कैपेसिटी. सो एक चीज क्लियर है, ऐसे आप ट्राई जरूर कर लेना कि कौन किसका अंतिम वर्ड किसके शुरू वाले वर्ड से आराम से मैच कर रहा है. अब अगर मेरे हिसाब से बीई बहुत आसान था बीई. अब अगर बीई के ग्रुप को मैं देखूं तो आपके पास ये सिर्फ एक सेक्शन में है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी में. सो आपका आंसर बी हो जाएगा. यहां भी आपके पास अगर कोई बहुत क्लियर मिलता हो, जैसे तुम देखो तो जरा, जैसे मैं तुमको बता रहा हूं 11 नंबर क्वेश्चन को देखो. मैं 9 नंबर क्वेश्चन को बाद में बताता हूं क्योंकि टफेस्ट है. तुम 11 नंबर को देखो, तुम फर्स्ट सेंटेंस किसको दोगे जरा सोचो तो. तुम सेंटेंस का शुरुआत कहां से करोगे जरा सोचना. 11 में तुम सेंटेंस का शुरू किससे करोगे, बी से ही ना. देखो तो तुम रिप्रेजेंटेड से शुरू नहीं कर सकते हो, तुम ऑन से शुरू नहीं कर सकते हो, तुम वांट से शुरू नहीं कर सकते हो, और ई नंबर तो अंतिम है ही है. तो तुम बी से ही शुरू करोगे. और अगर तुमने बी से शुरू किया तो ऑप्शन पर जाके देखो तो जरा कि सिर्फ एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें शुरू में आपके सेक्शन नंबर बी लगा हुआ है. सो मेरे को आंसर सीधे चुनना है, मेरे को आगे क्यों पढ़ना है, स्टार्टिंग कहां से करना है यह भी एक कंसिडरेशन काम करता है, और किस सेक्शन का अंतिम वर्ड किस सेक्शन के शुरू वाले वर्ड से मैच करता है, कॉम्बिनेशन बना रहा है. जैसे तुम 12 को देखो, 12 का पहला सेंटेंस देखो, पहला कौन सा होगा. तुम अगर ध्यान दो कि पहला कौन सा होगा तो तुम्हें आराम से दिखाई पड़ेगा कि फर्स्ट सेंटेंस बी होगा, क्योंकि तुम और किसी का भी शुरुआत में देखो तो शुरू का एक वर्ड नाउन है लेकिन उसके बाद एक ऐसा वर्ड लगा हुआ है जो सेंटेंस को फर्स्ट नहीं बनने देगा. सो तुम्हारा बी फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा. अब बी फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा तो आपके पास आंसर में दो जगह पे बी है, एक ऑप्शन नंबर बी और एक ऑप्शन नंबर ई. एक चीज मैं आपको एडवाइस करूं, जब आपके सेंटेंस अरेंजमेंट चाहे वो एसएससी के पार्ट में हो चाहे इस तरह का सेंटेंस अरेंजमेंट दिया हुआ हो एसएससी टाइप का ही, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन प्लस क्वेश्चन दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है. और कोई भी एक चीज अगर आप डिसाइड करते हो कि ये इसका जगह यहां आएगा तो सीधे ऑप्शन में उसके बाद आना चाहिए, वो फाइनल आंसर नहीं होगा, इलिमिनेट करेगा, दो तीन ऑप्शन हटा देगा. और जब दो तीन ऑप्शन हट जाता है, जैसे मेरा तीन ऑप्शन हट गया अगर मैं बी को फर्स्ट सेंटेंस मानू तो, और अगर बी को फर्स्ट सेंटेंस मानू तो मेरा तीन ऑप्शन हट गया, अब आंसर बचा बी और ई. और अगर आप ध्यान दो तो आपसे ए के बाद बी के बाद ए दोनों में दिया हुआ है, ई दोनों में दिया हुआ है, आपसे यह पूछ रहा है कि सी डी रखें कि डी सी रखें. अब जरा ये ध्यान रखना कि पूरा का पूरा सेक्शन नहीं, सी का अंतिम, सी का शुरू, डी का अंतिम और डी का शुरू, और तुम डी का लास्ट पार्ट देखो. रादर देन द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव कम रेगुलेटरी, और ये ध्यान दो कि लेजिस्लेटिव कम रेगुलेटरी आपका एक एडजेक्टिव हो गया ना, इसके बाद तो नाउन आना चाहिए ना. और अगर आप डी को अंत में ले लोगे तो ई के साथ में ई का शुरू वर्ड नाउन नहीं दिया हुआ है लेकिन आपके सी का शुरू वर्ड दे दिया हुआ है, लेजिस्लेटिव कम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क.
सो वन थिंग इज क्लियर कि डी के बाद सी आएगा एंड योर आंसर स्टैंड्स एज ऑप्शन नंबर ई। देखो वो ट्रिक्स चाहिए होते हैं, वो तरीका चाहिए होता है जिससे आप आंसर पे विदाउट टैक्सिंग योर ब्रेन तुम आंसर पे पहुंच पाओ, वो तरीका चाहिए होता है। मूव तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10, मैंने 9 कहा था कि बाद में करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 में तुम सी का अंतिम पार्ट देखो, रिप्रेजेंटेड। अब उसके बाद आगे तुम कंटिन्यू करोगे तो आई थिंक कि तुम्हें सिर्फ बी को डाल सकते हो, रिप्रेजेंटेड बाय। अब अगर तुम सी और बी को एक साथ रखते हो तो आपका ध्यान रखना कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ई में से कोई एक चुनना है। सी के अंतिम वर्ड से बी का शुरू वाला वर्ड जुड़ेगा, रिप्रेजेंटेड बाय, और ये दोनों एक साथ आएगा तो आपका आंसर या तो सी नहीं तो ई। और अगर अब आप दोनों को देखो तो सी बी के बाद ई दोनों में है और आपसे पूछ रहा है ए डी की डी ई, सॉरी ए डी की डी ए। और अगर तुम ई का शुरुआत वाला वर्ड देखो, फेथ इन एंड कैरेक्टर ऑफ द डी टी, जरा ई के पहले तुम जरा देखो तो कि ई के पहले तुम ए डालोगे कि ई के पहले तुम डी डालोगे, और डी का अंतिम वर्ड देखो, वर्डिक्ट ऑन द ग्राउंड दैट, तुम ध्यान रखना डी के बाद ई नहीं रखा जा सकता लेकिन डी के बाद तुम ए को रखो, डी के बाद ए रखो, सॉरी ई के पहले जरा रखो तो फेथ इन एंड कैरेक्टर ऑफ द डी टी के बाद के पहले ए रखो तो वॉज नॉट, क्योंकि ए का अंतिम वर्ड दिया हुआ रिलीजियस, और रिलीजियस के बाद आप ध्यान दो रिलीजियस एडजेक्टिव है तो रिलीजियस के बाद आप कौन सा नाउन डालोगे, रिलीजियस फेथ इन एंड कैरेक्टर ऑफ द डी टी। सो तुम्हारे ए के बाद ई आएगा and in that way your answer stands as C. On the other hand, अब अगर आप देखो तो 9 नंबर एक टफ क्वेश्चन था जिसमें तुम्हें बहुत सारे considerations लेने होंगे। हाँ, अगर आप फर्स्ट सेंटेंस देखो तो तुम एक चीज क्लियर रखो कि A नहीं होगा। अब अगर फर्स्ट सेंटेंस A नहीं होगा तो मैं C को हटाऊं, सी को हटा लेता हूं। अब सी को देखो तो फर्स्ट सेंटेंस होगा क्या, द कम्युनिटी बेस्ड टेम्पल ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि देखो ये इतना टफ सेक्शन है 9 नंबर का, मतलब टफ क्वेश्चन है कि आपको इसको एकाध ऑप्शन आप इलिमिनेट कर सकते हो, और मैं चाहूंगा कि आप सोचना कि सी के बाद तुम क्या डालोगे, इंट्रोड्यूस्ड अंडर, एक दूसरा फेथ एक क्रॉस, और एक क्रॉस का याद करना एक क्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश में एक क्रॉस का मतलब होता है, तो एक क्रॉस के बाद जो जो चीज आएगी जो नाउन आएगा वो यहां से लेकर वहां तक पूरा फैला हुआ था। अब इन चीजों को तुम टारगेट करोगे बी नंबर इन अ लिमिटेड डेफिनेशन एज, इन सब को, क्योंकि यहां पे कोई बहुत आसान क्लू नहीं दिया हुआ है, यहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग को टारगेट करना होगा, और योर आंसर ऑफ द 9 क्वेश्चन नंबर 9 स्टैंड्स एज डी 4 नंबर। अगर आपका 9 का आंसर डी है तो यू शुड बी क्वाइट हैप्पी। इनके अलावा मेरे को आपके रिस्पांस का इंतजार रहेगा कि आपने कैसा बनाया, क्या किया, और 23rd वाले 4 और क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं दैट इज 7 to 10, अगर उनके एक्सप्लेनेशन में किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर सी में क्यों नहीं होगा वो अगर आपको पूछने का मन करे
तो आप मेरे से पूछ लेना, नेक्स्ट वाले क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो भी ऑप्शंस में क्वेश्चंस में डाउट हो मेरे को अपना, ये 25th का आज का हो गया, 23rd इसके पहले वाला हो गया, और आप जिस क्वेश्चन में भी डाउट होगा अपने डेट वाइज नंबर वाइज क्वेश्चन नंबर आप मेरे को बता देना, मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। एंड अगले बार पर जल्दी अगले वाले क्लास में मिलते हैं विथ सम न्यू चैलेंजेस। मैं भी आज आपके रिस्पॉन्स पर डिसाइड करूंगा कि अगला वाला चैलेंज क्लोजेस का होगा या नहीं होगा, देखता हूं मैं वर्ड बेस्ड चैलेंज कुछ देता हूं या फिर क्लोजेस देता हूं मैं। चलो टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बी सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू, नमस्ते।